रीवा में मंदिरों के उत्थान के लिए एक लघु प्रयास करने की तैयारी की है कुछ समाज सेवी संगठनों ने। उनका साफ तौर से कहना है रीवा या यूं कहा जाए पूरे देश में कुछ मंदिरों के पास काफी पैसे हैं, वो अपने मंदिरों की देखभाल बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वहीं कुछ मंदिरों की स्थितियां काफी खराब हैं। हम उन्हीं मंदिरों के उत्थान की बात करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं मंदिर में जब भक्तजन आए तो उन्हें वहां पर बेहतर वातावरण मिले, साफ सफाई मिले, जिसकी वजह से वो पूर्णतः गंभीरता के साथ अपनी भक्ति कर सके। मंदिरों के उत्थान के लिए एक लघु प्रयास का विराट धर्म सम्मेलन रीवा में आयोजित हुआ राजविलास होटल में। इस आयोजन में लगभग शहर के तमाम भक्त मौजूद थे, जिनका साफ तौर से कहना था मंदिरों के उत्थान के लिए विस्तृत चर्चा करके एक रूपरेखा बनानी चाहिए, उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। साफ तौर से सभी जिम्मेदारों का कहना था भारत के मंदिर उपेक्षित हैं, वहाँ के पुजारी उपेक्षित हैं, कुछ मंदिरों की बात छोड़ दी जाए तो ज़्यादातर मंदिरों का यही हाल है। ये एक पीड़ा का विषय है। मंदिरों के उत्थान हेतु हम सभी को एक स्वर में आवाज़ बुलंद करना होगा एवं हिंदुस्तान की सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए एक साथ आगे आना होगा। सुनिए वक्ताओं ने क्या कुछ कहा। फोर्ट में या कहा जाए जिस किले में मैं रहता हूं उसमें केवल 28 से 30 प्रतिशत जगह में हम लोग निवास करते हैं, बाकी अधिकांश उस जगह पर लगभग 50 से ज्यादा मंदिर हैं। ये सारे पुजारी लोग वहां पर जा चुके हैं, सारे लोगों ने वहां अर्चना करी है, ये सारे लोग उस बात को जानते हैं, ये इसके प्रमाण है, जीवित प्रमाण। और मुझे बड़ा गर्व होता है ये कहते हुए कि वहां इतने मंदिर हैं जिसमें मैं रहता हूं। जगन्नाथ जी का मंदिर है आदरणीय कमलकांत जी, महामृत्युंजय का मंदिर है, राजाधिराज का मंदिर है, जो आज के कार्यक्रम हो रहा है एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, वो शॉर्ट नोटिस पे ही डॉक्टर कौशल राम सर ने समय दिया। एक्चुअली ये उनकी सोच थी कि जितने मंदिर हैं इस क्षेत्र में पर्टिकुलर रीवा में नहीं, तो उनका उत्थान कैसे किया जाए, वो तो मंदिर गिर रहे हैं हाँ, या कोई भी पैसे नहीं है, ये थोड़ा बहुत पुजारियों को मानने के लिए मिलता है उसमें उनको परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल है। इन सब विषयों पर जो मंदिर है देखिए क्या है, आज बहुत सारे मंदिर हैं जो ऑलरेडी यहाँ बहुत धन आ रहा है, मैं तो मंदिर की बात कर रहा हूँ तो देख लो यहाँ वो तो मेंटेन है, और ऐसे सैकड़ों हजारों मंदिर हैं जो कि मेंटेन नहीं है, विनष्ट हो जा रहे हैं, उनका उत्थान हो सके, उनके उत्थान के लिए हम क्या कर सके, एक परिचय की तरह का ये काम कौशल थे, उनके द्वारा ये सुझाव दिया गया कि मेरा एक परिचय हुआ इस क्षेत्र से। रीवा में किन मंदिरों पर आपकी नजर है उत्थान के लिए? जितने मंदिर है, मतलब के ऐसा नहीं है कि चिरंतपुरला मंदिर में पर्याप्त धनराशि आ रही है, आम टूलिया में आ रही है, उनके अलावा और भी जो मंदिर है जो कि मेंटेनेंस मांगते हैं, या पुजारी जो है जिनको एक पेमेंट दिया जाता है बहुत कम है, अगर उसको बढ़ा सके, या कुल मिला के एक ऐसा विचार करें कि उस मंदिर का विकास हो सके, साफ सुथरी व्यवस्था हो, हाँ सुरक्षा हो, जहाँ पर मतलब हमारे जो भी भक्तगण हैं चाहे महिला हो पुरुष सरलता से जा सकें, पूजा पाठ कर सकें, ये उद्देश्य है।